के सिरसागंज तहसील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान धरना दे रहे सपा नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह ने। समाजवादी पार्टी के द्वारा 16 सूत्रीय मांगों को लेकर काफी संख्या में एकत्रित होकर सुबह जिलाध्यक्ष दुर्पाल सिंह और डीपी यादव और सपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सिरसागंज तहसील पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली के आरोप सहित अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए SDM सिरसागंज नवनीत कुमार गोयल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वही जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर आंदोलन किया जा रहा और कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने जमकर धांधली की। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, महंगाई ने लोगों के सामने अपना परिवार पालने की चुनौती खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार न तो महंगाई को रोकने के लिए कुछ कर रही है, न ही युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुबह से ही क्षेत्राधिकारी सिरसागंज देवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ धरना प्रदर्शन को लेकर सतर्क नजर आए। आदित्य प्रताप सिंह, सिरसागंज, फिरोजाबाद, समाचार 24। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज सिरसागंज तहसील पहुंचे हैं, 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष डीपी यादव जी मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। किस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशानुसार आदरणीय अक्षय यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों पर, जिला फिरोजाबाद में हमारी पांचों तहसीलों पर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, BTC के चुनाव हुए, उन चुनाव के संबंध में 3 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। उस चुनाव में प्रशासन की धांधली, भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, बेरोजगारी की बड़ी समस्या, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद बीज, तमाम तरह की जरूरतमंद चीज़ों की व्यवस्था सब खराब चल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, समाजवादी साथियों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमे, छोटे नेताओं के खिलाफ मुकदमे, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, आपने देखा कि इस समय जो चुनाव हुआ उसमें पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य और सभी BDC प्रधान सबसे बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी के जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से प्रशासन की मदद लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सब उन्हीं के बन रहे हैं। क्या इसमें क्या सच्चाई है कि सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता, जो प्रभारी मंत्री जहां जहां हर जिले में भेजे गए और प्रशासन की मदद के, इन जिला पंचायत के प्रत्याशी श्रीमती रुचि यादव हमारे साथ 19 वोट थे, हम लोग 19 वोट लेके गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल 14 वोट लेके अंदर गए, लेकिन अंदर जाके हमारे वोटों को डराया धमकाया गया, उनको तमाम तरह की प्रताड़ित किया गया, हमारे केवल प्रत्याशी को रखा गया, वो भी कम से कम 50 मीटर दूरी पर, जहाँ पर वोट डाले जा रहे थे कमरे से 50 मीटर दूरी बैठा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई गुर्गों को अंदर प्रशासन ने बैठाया और डरा धमका के वोटों को डलवाया गया। इससे हम लोगों को जानबूझ कर हाया गया, हमारा प्रत्याशी चुनाव नहीं हारा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धांधली करके प्रशासन की मदद लेकर हमारे प्रत्याशी को हराया है। इसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में और अपने जिला में सब जगह धरना दे रहे हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं। राष्ट्रपति आज हम लोगों का महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन हम उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी ये संदेश भी देना चाहती है कि आज ये डेलीगेशन का चुनाव था, इसमें तो आपने बेईमानी कर ली है, लेकिन जनता ने तो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख, ये सारे संदेश इस समय BDC का जो संदेश दिया वो पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में यह संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में किसान, नौजवान, मजदूर, किसान, अधिवक्ता या छोटा व्यापारी सभी साथ खड़े हैं। और आपको ये देखने को मिलेगा कि आने वाला चुनाव 2022 में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, जिस तरह से जाति महिलाओं पर और किसान, नौजवान, छात्रों पर हो रही है, उस जाति को देखते हुए सभी वर्ग के लोगों ने ये मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाएंगे और एक स्वेच्छ स्वास्थ्य शासन देने का काम करेंगे और फिर
उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। जी धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ जिलाध्यक्ष डीपी यादव बताया कि पूरे प्रदेश में सपा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिरसागंज से आदित्य प्रकाश सिंह, 24।